हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक। एंड गाइज, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। एंड आपके सामने इसकी भाई काफ़ी बढ़िया मद्रास रेड कलर खड़ी हुई है एंड काफ़ी क्लासिकल लुक आ जाता है अपने इस मॉडल का। एंड एक तरीके से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी है। इस वीडियो में हम लोग इसका पूरा डिटेल रिव्यू बात करने वाले हैं, क्या प्राइसिंग है, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, इंजन में पावर एंड टॉर्क क्या मिल जाता है, एंड व्हीकल की क्या ओवरऑल वॉकअराउंड मिलती है, क्या क्या फीचर्स इसमें आपको ऑफर होते हैं, एंड अभी भी क्लासिक 350 लेना कितना बढ़िया रहने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, इंजन में पावर एंड टॉर्क, सीट हाइट, ग्राउंड क्लीयरेंस एंड क्या चीज़ें मिलती हैं। एंड चैनल बनाए थे इसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। अगर आप वाराणसी निवाई से बिलोंग करते हो, रॉयल एनफील्ड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल आप अवंतिका रॉयल एनफील्ड पे आ सकते हैं। चलिए फिर मेरा तरीके इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं गाइस। की से तो कुछ ऐसी वेब की ऑफर होती है भाई अपने क्लासिक 350 में रॉयल एनफील्ड के ब्रांडिंग के साथ। एंड जैसे ही आप इसको प्लग इन करेंगे एंड इग्निशन को ऑन करते हैं ना, फ्रंट की अगर आप देखेंगे पायलट लैंप ब्लिंक करने लगती है, रियर की जो टेल लैंप है वो लो बीम पे चलने लगती है भाई। प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करेंगे तो ये आपको भाई 270,000 तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी। यहाँ पे आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन मिल जा रहे हैं एंड 6 वेरिएंट्स मिलते हैं अपने क्लासिक 350 में। काफ़ी सारे वेरिएंट कलर ऑप्शन हैं आपके पास, बहुत सारे चॉइसेस, आपको जो मन लगता है, आपको आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा बैठता है आप ले लीजिए। ये अपनी भाई अभी तो VFM वेरिएंट है, प्राइस भी इसकी सही है और फीचर्स वगैरह भी यहाँ पे आपको काफ़ी ठीक देखने को मिल जाते हैं भाई। जैसे कि गाइस आपको ABS भी मिल रहा है और पूरी क्रोम की ट्रीटमेंट वगैरह मिल जा रहे हैं। जो थोड़ा यूनिक रॉयल एनफील्ड का लोगो है ये आपको टैंक पे इसका देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसमें आपको नहीं मिलते, जैसे LED टर्न सिग्नल, एडजस्टेबल लीवर्स, ये सब फीचर्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा और अलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको स्पोक व्हील्स मिलेंगे। यहाँ पे गाइस आपको क्रोम फिनिशिंग में मिल जा रहे हैं अपने को रियर व्यू मिरर्स, नॉन एडजस्टेबल लीवर्स मिल रहे हैं, पायलट लैंप आ जा रही है LED एंड रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप में पूरी हेडलाइट आती है। शेड यहाँ पे आपको क्रोम में मिल जाता है एंड टर्न सिग्नल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस एल्यूमिनियम सेटअप में टर्न सिग्नल मिल जाएंगे। इधर गाइज नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप मिलेगी। एंड अगर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल जाता है, सस्पेंशन कवर बॉडी कलर मिल जाता है जिससे कि डस्ट एंड जो भाई अपना मड वगैरह रहता है वो अंदर नहीं जाता, लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी लॉन्ग एंड वाइड फेंडर मिलता है, मेटेलिक फेंडर मिलेगा एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो फ्रंट में 100x90 सेक्शन टायर मिलेगा विथ 19 inches ऑफ स्पोक व्हील, 300mm का डिस्क आता है, ABS मिलेगा, बाइब्री के कैलिपर्स एंड रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। डुअल चैनल ABS के साथ आती है तो फ्रंट के साथ साथ रियर में भी ABS मिलेगा जिससे कि भाई ब्रेकिंग में आपको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे ट्यूब वाले टायर मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर स्पोक व्हील्स में नहीं आते हैं। काफ़ी बढ़िया एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आपको ये मिल जाता है भाई अपना लेग गार्ड, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है और सेफ्टी में भी बहुत सही रहता है। अगर इन केस क्रैश होता है तो व्हीकल को प्रोटेक्ट कर लेता, तो ये चीज़ आपको कंपनी से ही मिल जा रहा है तो काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करना पड़ेगा, ले लीजिए, लुक में भी अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं आपके लेग वगैरह को भी एक्सीडेंट में बचा देता है। ये प्रॉपर इसकी लेफ्ट साइड प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया लग रही है। प्रोडक्ट पूरी बॉडी कलर रेड में मिल रही है। टैंक देखेंगे तो यहाँ पे आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड काफ़ी बढ़िया 3D लोगो मिल जाती है, ब्रॉन्ज क्रोम बढ़िया लग रहा है, टैंक पैड मिलेगा। एंड यहाँ पे गाइस अगर आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया ये कलर आपको मिलेगा जो कि हैंडमेड है, फ्यूल लोग मिल जाता है क्रोम में, फ्लैक्स को सपोर्ट करता है, 20 की ब्रांडिंग। मीटर कंट्रोल स्विचेस की बात कर ही लेते हैं तो गाइस यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया सा अपने ओवरऑल मीटर कंट्रोल मिल जाता है, रॉयल एनफील्ड की लोगो मिलेगी। टॉप मॉडल में यहाँ ट्रिपर आ जाता है। बाकी गाइस यहाँ पे आपको एनालॉग स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर, ट्रिप मीटर, ट्रिप एफ सभी चीज़ देखने को मिल जाती है। क्रोम फिनिशिंग में हैंडल बार स्विचेस को देखेंगे, राइट साइड में इंजन कट ऑफ का स्विच, सेल्फ स्टार्ट का स्विच एंड हैजार्ड का स्विच मिलेगा एंड लेफ्ट साइड इन्फो बटन, हाई बीम लो बीम पास का स्विच, टर्न सिग्नल, हॉर्न की स्विच मिल जा रही है। यहाँ पर रियर व्यू मिरर्स मिल रहे हैं। एंड गाइज ये भाई अपना ओवरऑल इंजन का सेटअप, जहाँ पे गाइज आपको पूरी सिल्वर फिनिशिंग में इंजन देखने को मिलेगी। एंड इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर हम लोग भाई बात कर लेते हैं तो यहाँ पे गाइज आपको 349 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाता है भाई अपने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में। एंड पावर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको जो मैक्स पावर मिलती है वो मिलती है 20.2 BHP की 6100 RPM पे एंड 27 NM की टॉकिंग मिलेगी 4000 RPM पे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, 35 km/L तक की माइलेज दे देती है, 120 km/h तक की टॉप स्पीड मिल जाती है भाई अपने क्लासिक 350 में। यहाँ पे गाइस अगर आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया रबर की पैडिंग वगैरह मिलेगी, साइड स्टैंड आ जा रहा है, साइड स्टैंड इंजन का टॉप मिल रहा है, डबल स्टैंड आ जा रहा है, इसको आप ओपन कर सकते हैं भाई की के थ्रू, क्लासिक 350 की ब्रांडिंग। टैंक मेटालिक आ रहा था, ये पार्ट भी आपको मेटालिक मिलता है, ये पार्ट भी मेटालिक, मैक्सिमम सभी चीज़ मेटल के मिलते हैं भाई, फाइबर का कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। सीट की अगर बात कर लेते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, स्प्लिट सीट हैं, राइडर एज वेल एज प्लेनियर दोनों के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स रहने वाली हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुशनिंग की बात कर लेते हैं तो वेल कुशनड यहाँ पे आपको सीट देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको बैक रेस्ट देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट टच के साथ आती है। यहाँ पे आपको गाइस देख रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया एक ग्रैब मिल जाता है, वुमेंस के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली बिकॉज आप आपको देख रहे हैं तो पूरी साड़ी कार्ड दी गई है,
जिससे कि सेफ्टी में भी बहुत बढ़िया है। वीमेंस के लिए फुटरेस एंड मेंस के लिए भी डेडिकेटेड फुटरेस दिया गया। ओपन चैन ड्राइव सिस्टम आता है भाई, डबल स्टैंड मिल ही रहा था। एंड रियर प्रोफाइल से आते हैं तो भाई ये पूरी इसकी रियर प्रोफाइल, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जा रही है। टर्न्स में हैलोजन ब्रेक लाइट, हैलोजन नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, काफ़ी लॉन्ग एंड वाइड फेंडर मिलता है, मेटेलिक फेंडर है। एंड उसके बाद गई यहाँ पे भी आपको सेम वही लेफ्ट साइड की तरफ ये रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग, यहाँ पे पैड वगैरह मिल जा रहे हैं, ठीक है। गाइस यहाँ पे आपको किक नहीं देखने को मिलता, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। एंड रबर की पैडिंग वगैरह आपको हर जगह देखने को मिल जा रही है। क्रोम इंसर्ट्स में पूरी आपको एग्जॉस्ट मिलती है, जो कि काफ़ी सही लगती है भाई। एंड यहाँ पे रियर ब्रेक के लिए ऑयल मिल जाता है। एंड 120 बाई 80 सेक्शन के टायर मिल जा रहे हैं एरिया में, विद 18 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील एंड 270 mm का डिस्क मिलेगा। ABS यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। बाकी गाइस चेकआउट करिए ये पूरी इसकी रियर प्रोफाइल। डुअल रिंग टाइप सस्पेंशन रियर में मिल जाते हैं, कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है भाई। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं डायमेंशन, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो गाइस डायमेंशन में सबसे पहले लेंथ को देखेंगे तो ओवरऑल लेंथ मिलती है 2145 mm की, 785 mm की विड्थ, 1090 mm की हाइट, 1390 mm की व्हील बेस, 805 mm की सीट हाइट, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एंड 195 kg की कर्वेट मिलती है। सो गाइस सीट हाइट में देखेंगे तो सीट हाइट भाई क्लासिक 350 की थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाइट जिनकी वही चला पाएंगे, शॉर्ट राइडर भी चला लेंगे, लेकिन मतलब आप समझिए 5'4" 5'5" हैं तो चला लेंगे भाई बड़ी इजीली इसको, और उसके ऊपर हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी गाइस उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की, तो 270,000 ये आपको ऑन रोड प्राइस कॉस्ट कर रही थी। और कर वेट में भाई थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि भाई पूरी मेटालिक बॉडी है, तो आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वेट में ज़्यादा ही होगी। बाकी गाइस ये था इसका ओवरऑल डिटेल रिव्यू अपनी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 मद्रास रेड का। और बाकी गाइस जो रेड कलर के साथ क्रोम की पूरी ट्रीटमेंट्स मिल जा रही हैं, सिल्वर फिशिंग, ये वाला जो इंजन है भाई ब्लैक से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लो मेंटेनेंस है, डस्ट वगैरह आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस पर एब्जॉर्ब नहीं होता है, और इजिली क्लीनिंग है, मेंटेनेंस इसका सही है, आराम से आप इसको साफ करेंगे ठीक हो जाता है भाई, ठीक है। बाकी क्रोम इंसर्ट वगैरह जो टर्न सिग्नल मिल रहे हैं, एंड यहाँ पे आपको देख रहे हैं तो इसके जो हेड पे बॉर्डरिंग देखने को मिल जा रही है, ऊपर सेड मिल रहा है तो बढ़िया लग रहा है। रियर व्यू मिरर भी आपको क्रोम में मिल जा रहा है। बाकी गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बाइक्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।